बिग बॉस 14 में शो मेकर्स ने शुरुआत से ही तड़का लगाने का पूरा काम किया है। जनता अभी बिग बॉस 13 के खुमार से निकली भी नहीं थी कि लॉकडाउन आ गया और फिर अब बिग बॉस 14। इसमें कोई शक नहीं है कि बिग बॉस 13 अब तक का सबसे सफल सीजन रहा है, लिहाजा मेकर्स ने भी शो के पुराने और नए कंटेस्टेंट्स को साथ जोड़कर मनोरंजन का तड़का तैयार किया है। फिलहाल बिग बॉस 14 में सिद्धार्थ शुक्ला, हिना खान और गौहर खान सीनियर मेंबर्स के तौर पर नजर आ रहे हैं। ये तीनों फ्रेशर्स को टास्क दे रहे हैं और उनके TBC यानी टू बी कन्फर्म्ड वाले पैरामीटर पर उन्हें तौल रहे हैं। पहले ही बता दिया गया है कि शो में तीनों 2 हफ्ते तक है, लेकिन आगे अभी और भी मसाला बाकी है। बिग बॉस फेम अबू मलिक बताते हैं कि शो में आगे आसिम रियाज से लेकर हिमांशी खुराना और गौतम गुलाटी से लेकर शहनाज गिल तक की एंट्री होगी। ये सीनियर सदस्य घर में फ्रेशर्स के साथ रहेंगे। अब वो खुद भी यह मानते हैं कि इस बार का सीजन भी पहले की तरह ही खूब मजेदार रहने वाला है। क्या है कि बिग बॉस 13 बहुत हावी हो गया था, और बिग बॉस 13 इतना हावी हो गया है कि उनका सीजन का बेस्ट सीजन बिग बॉस 13 है। क्रिएटिव आइडियाज वर आल्सो वेरी वेल प्लेड बाय द बिग बॉस पीपल। द क्रिएटिव वर्क दैट वाज डन ऑन बिग बॉस वाज आल्सो वेरी वेल डन। कैमरा वर्क, आर्टिस्ट और जो लोग अंदर थे, दे वर एक्सेप्शनल। They were actually exceptional human beings. सब, मैं तो कहता हूँ कि मेल से लेके down to the last person out there, जो 2 हफ्ते 3 हफ्ते 4 हफ्ते जो भी रहा, वो करें, कहते हैं ना कि सबके पाँव मिलके ये एक सक्सेस बनता है, सबके जो हाथ लगे उस पर, वो सबकी वजह से वो सुपर सक्सेस है, कोई एक को नहीं दे सकते। बट अल्टीमेटली अब ये देखा जाता है कि जब वो कंपेयर, ये जो बच्चे आ रहे हैं अंदर, इनके ऊपर ये पूरा भार दो BB13 का पड़ेगा। तो अब क्या करेगा बिग बॉस? तो बिग बॉस ने क्या प्लान किया है कि उनके जो प्रीवियस सुपरस्टार्स हैं उनको घर में इंट्रोड्यूस करेंगे, उनके लेवल के लोग अंदर, सो दैट इंटरेस्ट बना रहे, उनके इर्द गिर्द रहे। तो इस तरह का कैरी फॉरवर्ड BB13 into BB14। तो अभी तो एक ही आया आर्टिस्ट, अभी वो और भी आएंगे, वो आसिम आएगा, शहनाज आएगी, रश्मि आएगी, आरती आएगी, डाउन टू एवरीबडी। मेरे को लगता है सब वो जिसने पैन से मारा था वो आएगी, किसी न किसी भाव पे इधर उधर करके 50-60 दिन तो इसमें निकाल देंगे। आप भी जाएंगे? हाँ, पता नहीं चले। मैंने तो बोला कि मुझे बैंड लीडर बना दो, जो गाना गाने जाते हैं ना, कभी कोई इवेंट होता है जहाँ गाना गाने आते हैं, तो मैं बैंड लीडर बन के गाने वाने गा दूंगा उधर। तो दैट इज़ व्हाट आई वाज डूइंग, लेट्स डू इट ऑन द बैंड, इफ दे कॉल मी आई डेफिनेटली गो। सो बट द थिंग इज दैट के इनका जो मिक्स मनोरंजन होगा उससे अब जो अंदर हैं उनकी क्या क्वालिटीज़, कुछ तो क्वालिटीज़ देख के उन्होंने लाए होंगे अंदर। पहले भी ऐसा ही था BB13 में, BB12 इट सीम्स वाज नॉट दैट गुड। सो BB कई बार सिलेक्शंस प्रोसेस में नज़र आते हैं कि बहुत अच्छे होंगे, आगे अंदर जाके दे डोंट डिलीवर द थिंग्स दैट दे वांट, बट यू डोंट नो। जैसे दिन बढ़ते जाएंगे, किसी पर जजमेंट पास करना इतनी जल्दी इज नॉट राइट। 3-4 हफ्ते दीजिए तब पता चलेगा।